राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के बैनर तले ऊर्जा निगमों के अंतर्गत तैनात टेक्नीशियन कर्मियों ने शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के नीति के विरोध में पूर्व प्रस्तावित प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत सोमवार को मोहद्दीपुर स्थित मुख्य विद्युत अभियंता कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में संघ के केंद्रीय उप महासचिव अखिलेश गुप्ता तथा जिला सचिव उपेंद्र पाल ने बताया कि प्रबंधन की नीति के कारण संवर्ग में अत्यंत रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया है कि संघ सदैव शांतिपूर्ण रूप से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से संवर्ग की जायज मांगों का निवारण चाहता है, परंतु प्रबंधन द्वारा विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताओं के उपरांत उनके द्वारा कार्यवृत्तों का क्रियान्वयन किए जाने की बजाय साल भर से परीक्षण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि यदि शीघ्र ही ऊर्जा प्रबंधन द्वारा पूर्व में बनी सहमति के अनुसार परिणामी आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो संघ चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होगा तथा 25 अक्टूबर को लखनऊ स्थित शक्ति भवन पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में सीपीएफ ट्रस्टी चंद्रभूषण उपाध्याय, चंदन दुबे, प्रभुनाथ प्रसाद, हरविंद यादव, संगम मौर्य, दिलीप गुप्ता, अजय गुप्ता समेत जनपद के समस्त तकनीशियन कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के केंद्रीय उप महासचिव अखिलेश गुप्ता और जिला सचिव उपेंद्र पाल ने कहा, बिजली कर्मी जिंदाबाद, आवाज हमारा टेक्नीशियन जिंदाबाद, जिंदाबाद घर समाराना, हर जोर जुर्म के टक्कर में घर समाराना, ना रखेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वी वांट जस्टिस, 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 वांट जस्टिस, जस्टिस, हमें तक आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें ना तो संग्राम बाकी, लड़ेंगे, जीतेंगे, अखिलेश गुप्ता, केंद्रीय उप महासचिव। देखिए, हम तकनीकी संवर्ग से आते हैं जो विभाग के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, और हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं जैसे वेतन विसंगति, आमेलन, ग्रेड पे, प्रोन्नति, इन सब चीज़ों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो वार्ता, हालांकि 2-3 बार प्रबंधन से वार्ता हो चुकी है, लेकिन प्रबंधन हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। क्या रणनीति आगे होगी आपकी? रणनीति यही है, अभी तो आज एक तरह से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, एक दिन का विरोध प्रदर्शन है, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हो रहा है। इसके बाद आने वाले समय में हम 25 तारीख को शक्ति भवन मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, और आगे हर सोमवार को क्रमिक अनशन शक्ति भवन पर ही होगा, जिससे कि शक्ति भवन में बैठे हमारे नुमाइंदे जो हैं, जो हमारे अफसर हैं, उनको हम उन प्रबंधन की करतूतों का पता चल सके, और उनको ये भी जानकारी हो सके कि विभाग का वो संवर्ग जो नीचे आम जनता से जुड़ करके आम जनता को बिजली देने से लेकर के हर काम करने का कार्य करता है, उसको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। उपेंद्र पाल, जिला सचिव गोरखपुर। हम लोग की मांग है कि जैसे आमेलन का है, वेतन विसंगति का है, और जो है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, जो समस्याओं का निराकरण प्रबंधन बार बार बात करता है, कहता है कि कर भी देंगे, शासन स्तर से भी ये कहा जाता है कि हम कर देंगे, कोरोना का हवाला दिया जाता है। हम लोग अपना धरना जो हमारा इसके पहले भी चल रहा था, धरने को हम लोग वापस ले लिए, शासन के कहने के अनुसार, प्रबंधन के कहने के अनुसार कि चलो भाई कोरोना के संकट में हम लोग जो है अपना धरना वापस ले लेते हैं। इसके पहले जो है कि मार्च महीने में हम लोग का वो आया हुआ था, छूट आया हुआ था, वो तो छूट में जो है कि ये कहे कि भाई वो क्या नाम है, उपभोक्ताओं के हित में आप अपना धरना वापस ले लीजिए। प्रबंधन ने हम लोग को वार्ता होने के बाद, आश्वासन देने के बाद कहा कि आप लोग धरना खत्म कर लीजिए, हम आपकी सारी मांगों पर विचार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अपना धरना वापस कर लीजिए। फिर उसके बाद प्रबंधन हम लोग को धोखा दे देता है, बार बार हम लोग जाते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जाता है कि भाई हमारी बातों को आपने जो कहा था उसको, अपने वादे पर आप जो कहे थे उसको पूरा करिए। प्रबंधन फिर उस बात को जो है कि कुछ नहीं सोचता है, ना कुछ हम लोग के बारे में करता है, इसलिए हम लोग मजबूर होके दोबारा जो है 11 तारीख से वो धरना का आरंभ किए हैं, और आज जो है दूसरे चरण का धरना है, और ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांग को नहीं मान ली जाती है।